नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब मुखिया जी सीखेंगे पुरानी खेती से किसानों को जोड़ने का मंत्र। बिहार में 15 जिलों में 24 घंटे के लिए बढ़ा इंटरनेट बैन। दिव्यांग बच्चों का अब होगा स्कूलों में दाखिला। बिहार के कई जिलों में बदला मौसम। मतदाता सूची से आधार नंबर लिंक करने के लिए आया नया फॉर्म। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब मुखिया जी सीखेंगे पुरानी खेती से किसानों को जोड़ने का मंत्र। बिहार के किसान अब प्राकृतिक खेती कैसे होती है, कैसे नहीं, इसकी जानकारी अब लेने वाले हैं, क्योंकि बिहार के सभी मुखिया जी को जल्द ही किसानों को पुरानी खेती से जोड़ने के गुर सीखने वाले हैं, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार इस काम के लिए कृषि विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों की मदद लेने जा रही है। अब यही पंचायत प्रतिनिधि मुखिया को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो अपनी पंचायत के किसानों को प्रेरित करने के साथ साथ जरूरत पर खेती किसानी की जानकारी भी दे सके। वर्तमान समय में बिहार सरकार जलवायु अनुकूल खेती के साथ साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग लगातार अभियान चला रहा है। अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसे प्रभावी बनाने के लिए जनता द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की मदद लेने के निर्देश भी दिए थे। विश्व योग दिवस पर पहली बार बिहार विधानसभा में होगा योगा। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की पहल पर योग दिवस पर पहली बार विधानसभा परिसर में सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री, विधानसभा के सदस्य और पूर्व सदस्य और सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मी योगा करने वाले हैं, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने ही अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि मानव मन में नकारात्मक मानसिकता को हटाने में योग की बड़ी भूमिका है। योग मन के अंदर सकारात्मक भाव पैदा कर इसे सबल और स्वस्थ बनाता है। समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों को इससे जोड़कर उन्हें सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। योग के वाहक युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग को उन्हें अपने जीवन शैली में शामिल करना होगा। बिहार में 15 जिलों में 24 घंटे के लिए बढ़ा इंटरनेट बैन। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर शुरू हुआ विवाद कितना शांत हुआ है, कितना नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि छात्रों का विरोध अभी भी दिख रहा है। हालांकि कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बंद थी, जिससे कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर तो नहीं आई है। इसी बीच बीते दिन अब बिहार में 15 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया गया है। अब 20 जून तक सूबे के 15 जिलों में इंटरनेट बैन रहेगा। जिन जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है, उसमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण शामिल है। स्पाइसजेट विमान हादसे पर पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया बयान। बीते दिन रविवार को उस वक्त सभी यात्रियों की सांसें चढ़ गई, जब पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले विमान से धुआं निकलने लगा, जिसको देखकर यात्रियों के तो होश उड़े ही, साथ ही आसपास के लोगों का भी बुरा हाल था। हालांकि राहत की बात यह रही कि स्पाइसजेट विमान हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई, यानी कि पायलट के सूझबूझ से सभी को विमान से सुरक्षित रूप से निकाल दिया गया है। जिसके बाद ही इसको लेकर पटना एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। इसको लेकर पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और उनमें किसी को भी चोट नहीं पहुंची है। जैसे ही विमान में आग लगने की जानकारी मिली, हमने फुल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, जिसके बाद विमान की लैंडिंग कराई गई। आगे ये आग क्यों लगी, इसकी जांच की जा रही है। दिव्यांग बच्चों का अब होगा स्कूलों में दाखिला। राज्य भर में दिव्यांग बच्चों की स्कूलों में दाखिला करवाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर डोर टू डोर सर्वे कराकर दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में ऐसे विशेष छात्र छात्राओं की खोज की जाएगी। पहचान के बाद सर्वे में मिले सभी छात्र छात्राओं को उम्र के हिसाब से कक्षाओं में दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसको लेकर डोर टू डोर सर्वे कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने सभी को 30 जून तक इसे सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा है। योजना के अनुसार आखिर तक चलने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं की खोज में संसाधन शिक्षक, पुनर्वास विशेषज्ञ, प्रखंड साधन दिवस के अतिरिक्त राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार ने बिखेरा जलवा। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार के खजुरिया गांव के रहने वाली अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के वडोदरा में हुआ था। इस चैंपियनशिप में अंजू ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इसकी जानकारी अंजू के कोच रितेश कुमार ने रविवार को दी है।
बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक्टिव केसेस 300 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 55 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 308 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में 2, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण में 1-1 मामलों की पुष्टि हुई, वहीं पटना में 37, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, कटिहार में 1, गया, जहानाबाद में 1-1, मुजफ्फरपुर में 2, सहरसा में 2, सारण में 1, सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल में 1-1 मामले की पुष्टि हुई। इसके साथ ही बीते दिन की पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 88,539 सैंपल की जांच हुई, वहीं इस दौरान 30 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। नीतू चंद्रा एक भारतीय अभिनेत्री, निर्माता और थिएटर कलाकार है। वो एक स्थापित शास्त्रीय नृत्यांगना और एक सक्रिय खिलाड़ी भी है, जो NBA और ताइक्वांडो जैसे अपने घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से देश में बास्केटबॉल के प्रचार में शामिल है। चौथी डेन ब्लैक बेल्ट है। फिल्म मिथिला माखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली चंपारण टॉकीज नाम से उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का निर्देशन उनके भाई नितिन चंद्रा ने किया था। उनके छोटे भाई अभिषेक चंद्रा हिंदी फिल्मों में फैशन डिजाइनर है। भारतीय स्टेट बैंक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय स्टेट बैंक ने FLC काउंसलर, FLC निदेशक के कुल मिलाकर 211 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो FLC काउंसलर के लिए स्केल 1 स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी जो SBI या उसके सहयोगी बैंक या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या समकक्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं, इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। FLC निदेशक पद के लिए स्केल 3 स्तर या फिर उससे ऊपर के अधिकारी जो SBI या उसके सहयोगी बैंकों या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या समकक्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं, इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। सभी पदों के लिए बुनियादी कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रासंगिक स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। PhD करने की इच्छा रखने वालों के लिए UGC ने तैयार किया नया रेगुलेशन। अगर आप भी PhD करने की सोच रहे हैं लेकिन ये सोचकर रुक जा रहे हैं कि आप तो नौकरी करें तो PhD कैसे कर सकते हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीते दिन UGC ने इसको लेकर नया रेगुलेशन तैयार किया है। इसके तहत केवल 6 महीने का कोर्स वर्क ही रेगुलर मोड में करना अनिवार्य होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपना रिसर्च वर्क पार्ट टाइम में कर सकेंगे। हालांकि कुल 6 साल में ही PhD पूरा करना होगा। सबसे जरूरी बात यह भी है कि नया रेगुलेशन सत्र 2022-23 से ही लागू किया जाएगा। नौकरी के कारण PhD नहीं कर पाने वाले पेशेवरों को UGC ने बड़ी राहत दी है। BRA बिहार विश्वविद्यालय के एक वरीय अधिकारी ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहल के बाद वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम PhD भी कर सकेंगे। भारत बंद के मैसेज के साथ ही प्रशासन अलर्ट पर। बीते दिन सोशल मीडिया पर आज भारत बंद को लेकर लगातार मैसेज फ्लोट हो रहा था। हालांकि इस भारत बंद को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है और ना ही किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आह्वान किया है, लेकिन बीते 3-4 दिनों से हालात को देखते हुए बिहार के तकरीबन सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जिलों के भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इन सबके बीच जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार कुछ छात्र संगठन ने 20 जून के चक्का जाम का समर्थन किया है। इसमें ISA और RYA शामिल है। मुजफ्फरपुर से ये सूचना है कि सोशल मीडिया पर भारत बंद की खबर के मद्देनजर वहां के स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट की घोषणा कर दी है। बिहार के कई जिलों में बदला मौसम। बिहार के कई जिलों में मौसम का रुख बदल गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में अधिकांश जगह पर बारिश होने की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में भी लगभग सभी जगह पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध को ऐसे रोकेगी भाजपा। बिहार में बीते 4-5 दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है उसके अनुसार बिहार में काफी नुकसान हो चुका है। इसी बीच अब विरोध की इस आंधी से बिहार को बचाने के लिए भाजपा मैदान में उतरने वाली है, जिसके तहत ही इस विरोध को रोकने के लिए भाजपा की नई रणनीति बनाई गई है। जिसके तहत ही बीते दिन बिहार में अग्निपथ योजना का प्रचार प्रसार के लिए भाजपा ने इंटरनेट मीडिया का सहारा लेने की बात कही है। इसको लेकर पार्टी ने बिहार के सभी सांसदों, विधायक और विधान पार्षदों के साथ प्रदेश पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं को युवाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही सामाजिक कटुता फैलाने वाले और उपद्रवियों पर नजर रखने की अपील की है। साथ ही इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने प्रदेशव्यापी उपद्रव, तोड़फोड़ और हमले को लेकर नेतृत्व को षड्यंत्र से अवगत कराया है।
बिहार में फिर से बाहर निर्माणाधीन पुल का पाया। बिहार में इन दिनों पुलों के धराशाही होने का सिलसिला जारी है। इसी बीच शनिवार को कोसी नदी पर हरियो के त्रिमुहान घाट के पास निर्माणाधीन पुल का एक पाया तेज धार में बह गया। बहुप्रतीक्षित NH 106 मिसिंग लिंक बिहपुर के फुलौत तक कोसी नदी पर बन रहे पुल का एक 124 नंबर पाया हरियो के त्रिमुहान घाट के पास कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। जो पाया पानी में बह गया है वो 1400 टन वजन था और उसका व्यास 8.50 मीटर था। इससे 2.27 करोड़ रुपए का नुकसान कंपनी को हुआ है। कोसी के पानी का बहाव तेज होने के कारण कुएं के नीचे की मिट्टी खिसक गई है और ये कुआं बहाव में बह गया। पुल का निर्माण एवं सड़क कुल मिलाकर 996 करोड़ की लागत से हो रहा है। सारण के चिरांद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चिरांद ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है। जहां खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सन 1962-1963 में प्रोफेसर BP सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इनकी कार्बन तारीख ईसा पूर्व 4900 ज्ञात हुई है। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से खुल जाएगा पटना हाईकोर्ट। गर्मी छुट्टी अब लगभग स्कूलों में खत्म हो गई है। वहीं हाईकोर्ट में भी चल रही गर्मी छुट्टी अब खत्म हो गई है, जिसके बाद ही आज से एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट खुल रहा है। हाईकोर्ट के खुलते ही आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित जज जस्टिस ए अमानुल्लाह जज के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चीफ जस्टिस संजय करोल उन्हें शताब्दी भवन के लॉबी में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में सामान्य अदालती कामकाज प्रारंभ हो जाएगा। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। जस्टिस ए अमानुल्लाह की नियुक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 37 हो जाएगी। मतदाता सूची से आधार नंबर लिंक करने के लिए आया नया फॉर्म। आने वाले समय में आपको मतदाता सूची से आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसको लेकर मतदाता पंजीकरण नियमों में संशोधन किया गया है। इससे काफी फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस नई पहल के तहत सरकार ने मतदाता सूची के साथ आधार विवरण को जोड़ने की अनुमति देने के लिए मतदाता पंजीकरण नियमों में संशोधन किया है। इसके जरिए डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा और सर्विस वोटर के लिए चुनाव संबंधी कानून को लैंगिक रूप से न्यूट्रल बनाया जा सकेगा। दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिकों या विदेश में स्थित भारतीय मिशन के सदस्यों को सर्विस वोटर माना जाता है। राजधानी पटना के अधिकतर स्कूलों को किया गया बंद। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के मद्देनजर राजधानी पटना के कई स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कुछ स्कूलों को खोल दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो हालात है उसको देखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के कोषाध्यक्ष AK नाग ने बयान जारी किया है और कहा है कि स्कूल खोलने या बंद रखने का निर्णय प्राचार्य को लेना है। हालांकि इन सबके बीच कई स्कूलों ने गर्मी की छुट्टी 20 से बढ़ाकर 27 जून तक कर दी है। इसके साथ ही कई ऐसे भी विद्यालय हैं जो सोमवार से खुले रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार भर में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिन के मुकाबले रविवार को कोई बड़ी घटना तो सामने नहीं आई, लेकिन शनिवार को कई स्थानों पर बच्चों को रोका गया था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह फैसला लिया है। अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी ने दिल्ली में खोला मोर्चा। जहां एक तरफ बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने दिल्ली में अब अपना मोर्चा खोल दिया है। भले ही बिहार में बिहार बंद का समर्थन करने के बाद तेजस्वी नदारद दिखे, लेकिन अब इस मामले को लेकर तेजस्वी ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर ही बीते दिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से 20 सवाल पूछे और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा से राजभवन तक महागठबंधन के विधायकों के साथ पैदल मार्च का ऐलान किया है। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके। तेजस्वी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार के बिना सोचे समझे लाई गई योजनाएं टेक अप से पहले ही क्रैश हो जाती है। ऐसी योजनाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है, लेकिन भाजपा के लोग आखिरी दम तक इसका हिप हिप हुर्रे करते रहते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। अग्निपथ योजना पर प्रशांत किशोर ने दिया बयान। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना टिकट जारी करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार के जनता दल यूनाइटेड और फिर भाजपा की आपसी तनातनी का खामियाजा जनता भुगत रही है। बिहार में और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं।
एक बार फिर से जीतनराम मांझी की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग। बिहार में भले ही मांझी अभी एनडीए के साथ हो, लेकिन आए दिन पार्टी अपने ही दल के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आती है। ऐसा ही नजारा एक बार फिर से बीते दिन देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बड़ी मांग कर दी, जिसके तहत ही मांझी की पार्टी ने एनडीए में तुरंत ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रधान सचिव दानिश रिजवान ने कहा कि बिहार में भाजपा सरकार में शामिल है और दूसरी तरफ सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। इस रवैये से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दानिश ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से ये कहती आ रही है कि एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेनी चाहिए। अग्निपथ स्कीम नहीं होगी वापस। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में बवाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही अब इस स्कीम को वापस लेने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब इस स्कीम को लेकर सेना ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वहीं किए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ही सेना ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, सेना में भर्ती इसी योजना के तहत होगी। वहीं सेना ने अपने अहम बयान में कहा कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं, सेना भर्ती की तैयारी करने वालों को हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, ना तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही ये भी साफ किया है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में अब शामिल नहीं होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन 1887 में मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोगों के लिए खुला। पुणे में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। भारत सरकार ने 1996 में जिनेवा सम्मेलन में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। विश्वनाथन आनंद ने 1998 में व्लादिमीर क्यामनिक को हराकर पांचवीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा 2014 में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति किर्लोस्कर उद्योग समूह के वो संस्थापक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म 1869 को हुआ। कुशल पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष का जन्म 1923 में हुआ। कॉफी विद करण 7 का टीजर हुआ रिलीज। करण का चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। पहले तो करण जौहर ने शो को लेकर काफी सस्पेंस बनाए रखा और कहा कि वो इस बार कॉफी विद करण नहीं कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया कि वो शो तो करेंगे लेकिन टीवी पर नहीं करेंगे। रविवार को उन्होंने एक टीजर रिलीज किया। इस वीडियो में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। इसमें शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, करीना कपूर, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा सहित अन्य लोग हैं। ये सभी पहले के सीजन में आ चुके हैं। शो 7 जुलाई से स्ट्रीम होगा। बारिश के कारण पांचवा टी20 हुआ रद्द, 2-2 से बराबर रही सीरीज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवा और आखिरी टी20 मैच बेंगलुरु में बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मैच का कट ऑफ टाइम 10:02 तक का था, लेकिन काफी देर तक बारिश नहीं रुकी थी, जिसके बाद ही मैच को रद्द करना पड़ गया। टीम इंडिया का स्कोर उस वक्त 3.3 ओवर में 28/2 के नुकसान पर था। भारत के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर नाबाद रहे थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया, उनके नाम है सतीश कुमार, रुपेश कुमार, सुजीत कुमार, आशुतोष कुमार, मनीष कुमार, लक कुमार, अजीमा फिरदौस, प्राइमरी टीचर मंजीत पांडे, युवराज पटेल, गौतम कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।